लेकिन इसका पावर गाइस, फोन बोलता है 250 में पावर नहीं है। हेलो एंड वेलकम टू द चैनल गाइस, मेरा नाम है शादाब और आप देख रहे हैं मुसाफिर। तो आज फिर से अपन एक नई गाड़ी लेके आए जो है ये 250। ये आपने लोग ने देखा होगा मेरे पुणे वाली राइड में, हमारे सैंडी सेठ जो है इसके ओनर है, तो उन्होंने ये गाड़ी लिया है। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2-3 महीने हुए वीडियो बनाता मतलब गाड़ी लेके, तो इसको उनके उनसे पूछते हैं इसके बारे में क्या है पावर। पहले उसके पहले उनके पास अपनी जैसी 200 है, BS3 वाला मॉडल, वो वाला 200 थी। फिर उसके बाद उन्होंने उसको सेल करके 250 लिए। तो ये भी पूछेंगे कि 250 में कन्वर्ट होने के लिए उनको क्या लगा कि 250 लेनी चाहिए या 390 लेनी चाहिए थी, जो भी है। वो हमारे सैंडी सेठ पीछे खड़े अमन भाई अनस भाई के साथ में, तो उनको बुला के एक बार पूछते हैं कि क्या था उनका मतलब क्या था उनके माइंड में जो 250 ही लेना था उनको, क्योंकि 390 भी थी और वापस नई वाली 200 भी थी यही लुक में। तो एक टाइम पूछते हैं। तो सबसे पहले देखो आप लोग इसका सिनेमैटिक्स, फिर मिलता हूँ अपने सैंडी सेठ के साथ। आप लोग देख सकते हो हमारे सैंडी सेठ आ गए अपने फ्रेम में। तो सैंडी सेठ से पूछते हैं कि 200 से, जैसे कि ये थोड़ी मॉडिफाई है, बट 200 से 250 जाने का क्या रीज़न था मेन, क्योंकि 200 में भी नया लुक था, नया लुक में आ चुकी थी, लेकिन 250 जाने का क्या रीज़न था वो पूछते हैं अपने सैंडी सेठ से। तो सैंडी सेठ पहले ये बताओ कैसे हो, बड़े दिन बाद मिल रहे सेठ, पुणे राइड में देखा होगा, पुणे राइड के बाद आप दिख रहे सेठ हमारे। तो सेठ पहला सवाल ये, 200 से 250 जाने का रीजन क्या था? लुक वाइज का एग्रेसिव लुक है। हाँ, और इसमें लुक ये पुराना भी हो रहा था ना, और सेठ के पास थी पुरानी 200। और उसके बात करते हैं कि मेन रीजन है पावर। पावर इसमें कितना है? 30 BHP और टॉर्क 28 Nm टॉर्क है और 30 BHP है। ये हमारी 24 BHP 24.5 समथिंग के करीब BHP है और 24 Nm टॉर्क है। तो टॉर्क में भी फ़र्क है और BHP में भी फ़र्क है और साउंड में भी फ़र्क है और लाइट्स में भी फ़र्क है, क्योंकि इसकी जो लाइट है, कैमरामैन थोड़ा सा नज़दीक आओ, इसमें पूरा फुल LED सेटअप है और 390 के जैसे DRL से 390 की जैसी लाइट है। और जो BS6 है, ये जो BS4 में है 250, उसमें था नॉर्मल हेलोजन लाइट वाला जो सेटअप था आगे का। और इसमें इसको तो पूरा टिंट किया है क्योंकि इसके नीचे हमारे पास लाइट है। तो जो 200 थी, 200 में भी पूरा हेलोजन सेटअप था और उसके बाद में अभी जो 200 आई है वो सेम ऐसे लुक में। तो हमारे सेठ ने वो नहीं लिए, ये लिए। तो सेठ इसको चलाने में और 200 को चलाने में कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है मतलब मालूम पड़ता है कि 250 और 200 में क्या फ़र्क है। तो अभी पब्लिक ये रहा बात कि ज़्यादा बात ऐसे नहीं करेंगे, अब मैं थोड़ा इसको चला लेता हूँ, तो मिलते हैं सीधा GoPro में राइड करते हुए। और बाकी शुक्रिया सैंडी भाई, हमारे सैंडी भाई आते रहते हैं, बैटमैन के बहुत बड़े फ़ैन हैं, गाड़ी पे भी बैटमैन चिपका हुआ है। तो मिलते हैं सीधा GoPro में। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो, इसका पहले साउंड सुनो, मैंने वहाँ पे साउंड नहीं सुना पाया था। हाँ, न्यूट्रल पे ही है, न्यूट्रल नहीं है, पहले इसको न्यूट्रल करते फिर आप लोगों को। पहले तो इसको माइक में इसका साउंड सुनो, ये है स्टॉक साइलेंसर का साउंड, ये था साउंड। अब करेंगे इसके राइड का मीटर, अंधा जैसा है मेरे को तो दिख रहा है। ये देखो सबके सब कैसा देख रहे, देख रहा तेरे को भी कुछ करने है, 1, 2, 3, 4 कुछ कर ले। तो चलो गाइस इसको लेके निकलते और देखते क्या है इसमें। पावर तो अच्छा खासा फील हो रहा है यार गाइस, लेकिन बहुत ज़्यादा स्मूथ है यार ये 200 से ज़्यादा स्मूथ है। तो बच्चे लोग कुछ इस तरह देख रहे हैं, अब इसको लेके एक बार अच्छा खींच के देखते हैं कि क्या चल रही है ये इसका।
आगे तक लेके जाते। अच्छी चल रही है यार ये तो वाकई में, तो चलाने में तो भाई है, जो बोलती है ना पब्लिक 250 भाई है यार पावर इसमें अच्छा खासा है, मतलब वो फील हो रहा है इसको चलाने में। तो थोड़ा एक राउंड बाहर से मार के आ जाते क्योंकि बहुत छोटा ही हो जाएगा ये, क्योंकि वो 390 पे और उस पर तो मैंने एक बड़ी वीडियो बनाई थी, तो इस पर एक राउंड और मैं बाहर मार के आ जाता हूँ जो है सो देखेंगे फिर आगे। आगे से यू टर्न मार के आते जब तक, चलो देखते क्या है, देखते क्या पकड़ती है ये चलने में। क्या चल रही है गाइस, ये निकल रही भी बहुत मस्त है, देख रहे हो क्या कटम कट। स्पीड में नहीं बता सकता हूँ आपको क्योंकि मेरी नजर रोड पे है, लेकिन इसका पावर गाइस कौन बोलता है 250 में पावर नहीं है, सब ये बड़े आराम से पकड़ लेगी। अभी मेरे को दिख नहीं रहा इस पे क्या है क्या नहीं है इसका, बट गाइस है यार पावर तो वाकई में है इसमें 250। ये बोलने के लिए नहीं है, 100 तो टच कर देती है क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है ये RS से ज़्यादा पावरफुल हाथ में फील हो रही है। अब मेरे को पता नहीं है ये, चलो इन्होंने घुमाया अपन भी घुमा ही लेते ना फिर, आप क्या फिटेंगे। ये गई 100, देखो गाइस नजदीक से तो बड़े आराम से 100 चले जाती है, अच्छी बात है। अगर ये थोड़ा डार्क टिंट नहीं होता ना तो और अच्छे से बताता। बाकी ब्रेकिंग्स तो माशाल्लाह क्या ब्रेकिंग्स है, और इसके अंदर शायद से अभी तक तो वही कंपनी वाले ही ब्रेक पैड्स है जो कंपनी देती है। अरे बाप 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 पटेंग, अरे When a girl rides Royal Enfield, she rolls like a queen. वो जा रही है देखो, है ना? तो अपने को यहीं कहीं से अंदर घुसना है, तो चलते हैं अंदर। रॉन्ग वे से अंदर जाते अभी चलेंगे। और ये वो जगह है जहाँ से मेरी पहली बाइक आई थी, यहीं अंदर ही वो। कभी कुछ अच्छा होगा तो बताएंगे, फिलहाल तो इसको राइड करते हैं। पिकअप तो है गाइस, मानना पड़ेगा गाइस पिकअप तो है और अच्छा खासा है। पुलिस वाला कुछ इस तरह की से देख, अरे बाप रे इसका लाइट भी अच्छी है यार गाइस। और सिटिंग पोजीशंस भी अच्छी है, गाड़ी में है अपसाइड डाउन सस्पेंशन जो कि KTM's में 200 से है, और 125 में भी अपसाइड डाउन सस्पेंशन है KTM की तरफ से। तो ये ब्रांड पे 100% ट्रस्ट कर सकते हैं अपन अपनी परफॉर्मेंस बाइक्स के लिए, क्योंकि ये गाइस ये कभी भी अपने को नाराज़ नहीं करेगी। और यहीं से अंदर जाते हैं अपन क्योंकि यहीं से नज़दीक में मिल जाएंगे वो लोग। तो अब बाकी की बात रही ये कि राइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये गाड़ी का साउंड कैसा है, तो आप लोग सुनो। सही है ना? अब चलते अपने ग्रुप के साथ थोड़ा राइड करेंगे। तो यही थी वीडियो गाइस, कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखो इसका एक मीटर कंट्रोल है, यहाँ पे मोड का बटन है, यहाँ सेट है। और वैसे तो ये अंधेरा हो चुका है इसके अंदर, यहाँ साइड में इसका टेम्परेचर बताता है, यहाँ फ्यूल गेज है, बीच में ये है स्पीड का कितना स्पीड चला सकते हैं स्पीडोमीटर, और ऊपर है RPM का टैकोमीटर जो अपने को RPM की रेंज बताता है। ये जलता रहता है क्योंकि अभी गाड़ी स्टैंडिंग में है और फ्यूल भी इसमें कम है, तो फ्यूल लो फ्यूल लेवल का इंडिकेटर दे रहा है, इस वजह से ये जल रही है। और ये स्विच गियर्स है जिसके बैकलाइट स्विच गियर बोलते हैं इनमें, जिसमें ऊपर ये लाइट जलती है। वैसे ये अपनी बजाज में आते थे, तो ये बजाज ही इंडिया में इसको लेके आया है, इस वजह से ये इसकी लाइट है।
अब थोड़ा उतर के बात कर लेता हूँ क्योंकि मेरा और छोटी साइज छोटी हाइट वालों के लिए भी ये गाड़ी चल सकती है, इतनी कुछ बुरी नहीं है। और इसका कलर स्कीम है ये ग्रे वाला जो नया BS6 में है, एकदम स्मूथ इंजन है। ये देखो इसका साउंड है ना, और आगे इसमें दोनों भी ट्यूबलेस टायर आते हैं 110/717 मतलब 110/70/17 का टायर है, R17 यानी रेडियल 17। और ये जो पीछे है वो है एक मिनट इसको बंद कर देता हूँ पहले। इसमें पीछे कौन सा है, पीछे 150/60/17 यानी पीछे का जो इसका ये जो 60 जो लिखता है ना बीच का 60 जो लिखते हैं 150 तो टायर का ग्रिट हो गया कितना चौड़ा टायर है, और जो 60 है वो इसकी वॉल है, और R17 यानी कि रेडियल 17 इंच का टायर है। तो ये इसका है और ये दोनों भी ट्यूबलेस टायर है। पीछे का मोनोशॉक सेम है जो 390-200 दोनों में आता है, बस 390 में कवर वाला आता है जिसको यहाँ पे कवर होता है, इसमें कवर नहीं है। और बाकी सेम अंडरबेली है, सेम एग्जॉस्ट है, बस साउंड थोड़ा कम है, रेडिएटर थोड़ा बड़ा है। और ये है 250cc। अपने चैनल मुसाफिर पर तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके ज़रूर बताना कि आपको इसकी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले किसी नए व्लॉग में, अगर शॉर्ट्स आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से जाके देखना। एक जल्दी से जल्दी 1000 करिए, फिर आएगा एक बहुत बड़ा धमाका, मतलब एक रिव्यू ही है अपने चैनल पे, वो शॉर्ट्स देख के आपको पता चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, बूम।